myself Prachi and होने वाली सीएम है प्राची। तो गाइस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा कॉस्ट ऑडिट सब्जेक्ट का लेक्चर 3 है ये हमारा, रूल्स का सेकंड क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग रूल्स का अपन फिफ्थ वाला स्टार्ट करने वाले। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ देखो। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मुझे नहीं पता चलता यार, प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो रूल 5 जो है हमारा वो कितना प्यारा है यार, मेंटेन कैसे करते हैं, क्या करना है बता रहा है। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली कैसे भी कर सकते हैं, जैसे मन में आ रहा है वैसे कर सकते हैं। ठीक है, एएस के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ सेल्स के हिसाब से, या फिर मार्जिन ऑफ ईच प्रोडक्ट के हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनेक्स क्या करेंगे, एनेक्स का मतलब क्या होता है, ऐड, क्या क्या ऐड करेंगे अपन, किस में ऐड करना है यार, रिपोर्ट में ऐड करेंगे, किसकी रिपोर्ट में, कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसमें पार्ट ए डिस्कस किया जा रहा है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए है। ठीक है, तो पहला है कि हम लोग को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, हम ऑडिट करने जा रहे हो कंपनी के बारे में नहीं पता, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, और कंपनी को हमारे बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमको अकाउंटिंग की पॉलिसीज पता होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी किस टाइप की फॉलो करती कंपनी, और सारे प्रोडक्ट की पूरी अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट है हमारा पार्ट बी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्वांटिटेटिव डिटेल चाहिए यार, क्योंकि ना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव डिटेल्स नहीं रहेगी तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, छोटा वाला कॉस्ट स्टेटमेंट बना सकते हैं अपन एकदम, जो एक पेज में आ जाए डन 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 डन। ठीक है, और उसके बाद फिर मटेरियल क्या कंजम्पशन हुआ इसका डिटेल देना जरूरी है, यूटिलिटीज का क्या डिटेल्स देना जरूरी है, और अगर हमारी कोई कंपनी एकदम स्पेसिफाइड है ना तो फिर उसका डिटेल देना है, जैसे कि माइनिंग कंपनी जो होती है ना वो एकदम अलग होती है, तो अगर तुम्हारी इंडस्ट्री भी अलग है तो हमें बताइए, किसमें बताओगे यार, पार्ट बी में, कौन हो तुम अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा पार्ट सी जो कि सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस के लिए। ठीक है, एस फॉर एस और सी एक जैसा होता है ना तो साथ कर लेते अपन। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में अपन ना क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, बट अपन को ना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के हिसाब से चाहिए, छोटू वाला स्टेटमेंट इसमें भी बनाना है क्यों। अच्छा, ठीक है, फिर मटेरियल कंज्यूम यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक सेम है ये पॉइंट सारे, बस फर्स्ट वाला जो है वो थोड़ा अलग है बाकी सेम ही है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा था मैंने, इसमें लिख दिया तो सेम ही मान लो। ठीक है, फिर जो पार्ट डी है ना, पार्ट डी जो वो दोनों के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, डी फॉर दोनों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे अपन, हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखेंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देखेंगे जो कि मेरा फेवरेट है। ठीक है, वैल्यूएशन देखेंगे, वैल्यूएशन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, रेशियो एनालिसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इसका मतलब। ठीक है, और किसके बारे में जानना है तुमको, रिकंसिलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है ना, इनडायरेक्ट टैक्स ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, जैसे कि अगर हम लोग कुछ एनेक्स कर रहे हैं ना तो वो सीएस का साइन होना चाहिए उसमें, अगर कोई वेरियंस आता है ना तो फिर उसका रीजन जो है ना वो कॉस्ट ऑडिटर हमको देगा कि क्यों वेरियंस आया है। ठीक है, 2 साल के में कोई डिफरेंस है तो वो क्यों डिफरेंस आ रहा है वो कॉस्ट ऑडिटर देगा हम लोग को, जो हम लोग प्रीवियस ईयर और इस साल में कंपेरिजन कर रहे हैं उनके बीच में 12 मंथ से ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता, मैक्सिमम 12 मंथ है। और नॉर्मल प्राइस का मतलब मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मल प्राइस का मतलब होता है यार जिसमें ना एक सोल कंसिडरेशन होता है प्राइस, जैसे कि अपन नॉर्मली कहीं खरीदने जाते कोई सामान तो उसमें जो प्राइस लिखे रहता है वो सोल कंसिडरेशन होता है, वो हमारा जान पहचान का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जान पहचान वाले लोग कम रेट में दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन, हम लोग को क्या फीस चार्ज करना पड़ेगा जब अपन CRA 2 और 4 भरेंगे। CRA 2 और 4 मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आपको एक और बता देती हूँ कि ये हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, हम नहीं देते, कंपनी देती है। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्मेट में होता है, XBRL फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और इसके बारे में मैं आपको आगे की वीडियोज में बताऊंगी कि XBRL आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका मैं आपको बता देती हूँ कि फीस क्या क्या, अगर आपका 1 लाख से कम है ठीक है तो फिर उसमें अपन को 200 रुपये लगेगा डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का 200 रुपये लगता है, 300 रुपये लगता है अगर 1 से 5 लाख तक के तो। ठीक है, मतलब 5 लाख, मतलब 1 से लेके 5 लाख, मतलब 5 लाख तो इसमें आएगा। ठीक है, मतलब ये 5, मतलब 4999 है, ये वो इजी हो जा करके मैं यहाँ पे 5 लाख लिख दी हूँ। ठीक है, मतलब 1 रुपया कम कर देना 5 लाख से, वो जितना होगा ना उतना का 300 रुपया भरना पड़ता है अपन को। ठीक है, इसमें 400 भरना पड़ता है, अगर 1 रुपया ज्यादा होगा ना तो तुमको सीधा सीधा
सीधा सीधा सीधा कितना 400 रुपये भरना पड़ता है, ठीक है। और ये ना हमारा शेयर कैपिटल के ऊपर है, ठीक है। शेयर कैपिटल, अगर हमारे कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 लाख से कम तो 200 रुपये, 5 लाख तक है तो 300 रुपये, 25 लाख तक है तो 400 रुपये, 100 लाख तक है तो 500 रुपये, और उससे भी ज्यादा, काफी अच्छी कंपनी है तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे ना, तो 600 रुपये, ठीक है। तो अपन इसको याद करते हैं फिर से, आप लोग भी अपने मन में बोलिए, मैं आपके लिए फिर से बोल देती हूँ। अगर हमारा शेयर कैपिटल जो है वो 1 लाख से कम है तो आप छोटी मोटी कंपनी कितना लोग यार हमसे, सिर्फ 200 रुपये, ठीक है। 5 लाख तक है, 5 लाख माइनस 1 रुपी, ठीक है, इसमें सब में आप रुपी 1 माइनस कर देना, ठीक है। तो 1 लाख से लेके 5 लाख तक है तो 300, 5 लाख से लेके 25 तक है 400, 25 से 100 तक है तो 500, और 100 से ज्यादा है तो 600, सब लैक्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डीले कर दिए, मतलब देरी कर दिया, और मतलब फीस एक तो नहीं कम है, उसके बाद भी तुम देर कर रहे हो, और ऐसा चलता है क्या? तो अपन मैं टाइम लिमिट के हिसाब से समझा देती हूँ आपको कि अगर हमारी देरी हुई है बट वो 30 दिन तक है तो अपन को सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस देना है, 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस, ठीक है। अगर हम 60 डेज तक लेट करते तो 4 टाइम्स, अगर 90 डेज तक करते तो 6 टाइम। यार ज्यादा लेट मत करो, देखो कितनी फीस बढ़ गई, मतलब जितनी फीस है उसका सीधा सीधा 10%, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा तुम्हारी फीस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। अगर हमारे हमारा शेयर कैपिटल 50,000, 50,000 है तो अपन योली कैटेगरी में आएंगे, 200 वाली में, ठीक है। और अपन अगर समझ लो कि 100 डेज लेट कर दिए, मतलब हम इस कैटेगरी में आ गए, तो 10 गुना हो जाएगा। मतलब अगर अभी 200 लग रहा है तो सीधा सीधा 2,000 तो तुम्हारा लेट फाइलिंग फीस लगेगा, ठीक है, प्लस 2,000 तुमको उसमें जो तुम्हारा वो है स्टैंडर्ड रेट वो तो लगेगा ही, तो सीधा सीधा 2,200 हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो तो वीडियो पॉज करके फिर से पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 180 डेज से भी ज्यादा लेट हो रहा था, 12 टाइम होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रूल 6। रूल 6 जो है ना वो हमारा लास्ट रूल है आज की क्लास का, ठीक है। रूल 6 जो बताता है कि ऑडिट में कैसे प्रोसीजर लगाना है और कैसे अपॉइंटमेंट करना है ऑडिटर का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फिर अपन सबसे पहले अगर कंपनी को ऑडिटर अपॉइंट करना है ना, तो वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं ना उनकी कंपनी के, वो उसको अपॉइंट करते हैं, और अगर ऑडिट कमेटी है तो उनकी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, ठीक है। 180 डेज ध्यान रखिएगा कि कमेंसमेंट आई है, ठीक है। और उसके बाद जो ऑडिटर है ना वो हमको रिटर्न कंसेंट देगा, ठीक है। रिटर्न कंसेंट में क्या क्या होना चाहिए कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो क्वालिफाई है अंडर सेक्शन 141, ठीक है, कंपनीज एक्ट का 141 में बताता है अपन को क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। फिर वो जो कंपनी, मतलब एक एक ऑडिटर ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनी में ऑडिट कर सकता है, 20 कंपनी में ऑडिट कर सकता है, तो वो बताएगा कि यार मेरा अभी 20 कंपनी कंप्लीट नहीं हुआ, ये खुद से बताएगा वो, ठीक है। ऑडिटर अपने आप से रिटर्न कंसेंट देता है, ठीक है। और वो ये भी बताएगा कि अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है ना, तो वो उसके बारे में भी हमको बताएगा। तो 4 ठोक रिटर्न कंसेंट देनी पड़ती है, डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफाई नहीं हूँ, क्वालिफाइड हूँ, 20 कंपनी से कम है, और मेरे ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, अगर चल रही तो उसके बारे में बताओ, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हमारा, अगर कंपनी उसके बाद जो कंपनी है ना वो सीजी को बताएगी, हम कंपनी को बताए, कंपनी सीजी को बताएगी CRA 2 में, ठीक है। अब इसका टाइम लिमिट बहुत ध्यान से सुनना है, इसका टाइम लिमिट ये है कि या तो वो बोर्ड मीटिंग जो होती है उसकी 30 दिन तक बता दे, या फिर जब हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है उसके 180 डेज तक बता दे। हमारा कब चालू होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो वो 6 मंथ यहाँ से जो कि सितंबर में आएगा वहां तक वो बता सकती है, या फिर 30 डेज, विच एवर इज अर्लियर। अगर तुम्हारी बोर्ड मीटिंग इसके दौरान बीच में कभी भी हो गई तो उस समय तुमको, तब तक तुमको बता देना है, या फिर अगर इसके बाद हुई तो फिर सितंबर तक तुमको बता ही देना है, ठीक है। और CMA कब तक वहाँ का कॉस्ट्रेटर रह सकता है, तो वो रहने की लिमिट है हमारी, 1 सेकेंड, 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने तक का, या फिर जो वो सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट। समझ लो कि ये भी सेम है, मतलब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, तो खत्म होने के बाद, याद रखना, खत्म होने के बाद से 180 डेज, या फिर जिस दिन वो रिपोर्ट सबमिट कर दिया वो उतने तारीख तक वो वहां पर कॉस्ट ऑडिटर रह सकता है, उसके बाद वो नहीं रह सकता। और कॉस्ट ऑडिटर का रोटेशन नहीं होता, ये मैं आपको पिछले वीडियोज में भी बताई थी, आई होप आपको कोई याद है, अगर याद नहीं तो फिर से जाके वीडियो देख लो, ठीक है, और भूलना मत यार लाइक कर देना,
ठीक है। उसके बाद जो सीएम है वो रिमूव कर देते हैं। कौन रिमूव कर सकता है उसको? अगर बोर्ड रखता है तो बोर्ड ही रिमूव कर सकता है उसको, ठीक है। और बीआर का मतलब होता है बोर्ड रेजोल्यूशन से, और बीएम का मतलब होता है बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में जब अपन बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तब एक ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, और उसके लिए उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड जरूर देते हैं, ठीक है। उसके जो कैजुअल वैकेंसी वही बोर्ड फुलफिल करेगा। वो कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा, ठीक है। और वो इन्फॉर्म भी करेगा उस पर सीजी को। कितने दिन में करेगा? 30 डेज में करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कोई भी रिपोर्ट के साथ अदर चीज कुछ भी एनेक्स होती है ना, तो उसके लिए हमको बोर्ड का साइन होना चाहिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सिग्नेचर होना चाहिए। इससे ना ये रहता है कि हाँ बोर्ड को पता था कि क्या क्या एनेक्स है करके, ये अप्रूवल के लिए इसमें ये डाला गया है, ठीक है। उसके बाद फिर जो रिपोर्ट बन गई है ना, उसको 180 डेज के अंदर क्लोजर, जो क्लोज हो रहा है उसके बाद ना अपन इन्फॉर्म करेंगे, मतलब जो ऑडिटर है ना, वो जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा क्लोजर ऑफ 180 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब लास्ट डेट 180 डेज है, ठीक है। उसमें अगर उसको कोई क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन रहता है तो वो सब वो किस में बताएगा? CRA 3 में बताएगा, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी है वो सबमिट करेगी सीजी को CRA 4 में 30 डेज के अंदर XBRL फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन 143 है ना हमारा, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, जो बताता है पावर्स और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। मुंडाटिस, मुंडाटिस का मतलब होता है सेम टू सेम, यहाँ पर भी एप्लीकेबल है वो। उसके बाद फिर हम लोग को बताना है कि क्या एक ऑडिटर जगह हम दो ऑडिटर, तीन ऑडिटर या उससे ज्यादा रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, जितने मन चाहे उतने ऑडिटर रखो, पर सबका साइन साइन चाहिए रिपोर्ट पे, ठीक है। और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी बना सकते हैं अपन चाहे तो, ठीक है। और जो एक 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 ना एक उसमें प्रिंसिपल ऑडिटर होना चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा फाइलिंग का। जो CRA अपन जो अपन CRA पढ़ रहे हैं उसमें जो फाइलिंग लगती है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि हाँ मैंने किया करके, एक जन कोई भी। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमारा रूल्स खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो फेस मल्टीप्लायर मतलब इसके ऊपर ना क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुनिएगा, ठीक है। तो फेस मल्टीप्लायर जो होता है ना, वो अक्सर टेक्सटाइल कंपनी में ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और इसमें ना अपन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देखते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस अपन को मिल रहा है, और कम से कम उसमें ना एक यूनिट फाइनल आउटपुट का होना ही चाहिए। मतलब वेस्ट मल्टीप्लायर कभी भी जीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव नहीं हो सकता, वन तो कम से कम होगा ही वो, ठीक है। मतलब कितना भी इनपुट डालो, कम से कम एक तो उसमें से आउटपुट निकलेगा, उसको अपन बोलते हैं वेस्ट मल्टीप्लायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि टोटल अमाउंट, जो कैपिटल हम लोग यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट असेट्स। यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, कीजिए ना यार, बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में, प्लीज थोड़ा सा प्यार बरसाइए। उसके बाद फिर हमारा है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू या फिर शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। पर इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा अपना पेड अप शेयर कैपिटल, सारे टाइप के रिजर्व, प्लस इसको हटा देना, ये क्या है? रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है ना, वो असली में कुछ होता नहीं, बस हमारे मन मन में रहता है कि यार हम लोग 5,000 का लैंड खरीदे थे 50 साल पहले, अब उसका 2 करोड़ का हो गया, तो चलो ना मैं 2 करोड़ का लिख देती हूँ बुक्स में। अभी आया क्या 2 करोड़ आपके पास? नहीं आया ना, जिस दिन आएगा तब की तब देखेंगे। अभी वो रिजर्व बनाने से कोई फायदा नहीं, तो इसलिए उसका इफेक्ट नहीं लेते हैं। SPA का मतलब होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स और सरप्लस, ये सबको आपको ऐड करना है, ऐड, ठीक है। अब माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड लॉसेस कुछ है तो, डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ है तो, या फिर राइट बैक अप डेप्रिसिएशन का कुछ है, तो वो सबको आपको एक्सक्लूड करना है, मतलब माइनस करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा नेट सेल्स। नेट सेल तो ईजी सा यार, ग्रॉस सेल्स को ही बोलते हैं कंपनी की। इसमें क्या क्या नहीं इंक्लूड करोगे? बहुत अच्छे से रखना। देखो सेल्स रिटर्न तो माइनस होता ही है ऐसे यूजुअली, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देना, लोकल टैक्स को माइनस कर देना, सेल अगर अपन स्क्रैप को कचरे को बेच के कुछ पैसे कमा लिए, ठीक है, तो उसको भी आपको क्या करना है? माइनस, ठीक है। पैकिंग चार्जेस, जैसे कि अपन अमेजोन से सामान बुक की 200 रुपए का 40 रुपए का वो लोग ले लेते हैं डिलीवरी चार्जेस, उसको मत ऐड कर देना, ठीक है, वो तो माइनस होगा। और कोई एबनॉर्मल इनकम है, कोई मतलब भूल चुक से अपनी कोई इनकम हो गई इधर उधर से, तो उसको माइनस कर देना, ठीक
है। उसके बाद फिर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, मतलब अगर कोई इनपुट और आउटपुट के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो वैल्यू एडिशन होता है। जैसे कि आप समझ लो जी कि आपने रॉ मटेरियल खरीद के लाया, उसमें कुछ कुछ प्रोसेसिंग की और फिर उसको बेच दिए, आउटपुट हो गया वो। ठीक है, तो उसमें जो तुम कुछ प्रोसेस की हो, तो उसमें कुछ तो एडिशनल चीजें हुई होगी ना उसमें, तो फिर वो जो एडिशनल चीजें हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या माइनस करते हैं अपन, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सैलरी और इंटरेस्ट। बट दोस्तों एकदम ध्यान से सुनिएगा कि अपन जो इंटरेस्ट पार्ट है वर्किंग कैपिटल का, उसको डिडक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, पार्शियलिटी क्यों हो रही है, कोई सोचे तो यार वर्किंग कैपिटल को ज्यादा महत्व मिल रहा है, बाकी लोग क्या वैल्यू है ऐसा वैसा, तो यार ऐसी बात नहीं। देखो वर्किंग कैपिटल जो रहता है ना, वो डायरेक्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट आता है उसको अपन यहाँ पे से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब सब बाकी चीजों को अपन को एक्सक्लूड करना है, मतलब उनको ध्यान नहीं देना। ये भी देखो ये सब भी खर्चे ही है एक तरीके से, बट इन खर्चों को ना अपन को ध्यान नहीं देना है जब अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बट अपन ये वाले खर्चे को बिल्कुल ध्यान देके माइनस करना है, इसको अपन कह सकते हैं कि काउंट ही नहीं करेंगे, मतलब अगर वो है वो नहीं है हमारे लिए सब सेम है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते अपन रेशियोस। तो रेशियो में क्या क्या अपने पास, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो है, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग जो अपन कमा रहे हैं इंटरेस्ट से पहले बट टैक्स के बाद, और उसको अपन डिवाइड करेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से। ये हमको क्या सिखाता है, तो हमको ये बताता है कि हमारी जो कितनी एफिशिएंट है हमारा फाइनेंस। ठीक है, ये बताता है। उसके नेक्स्ट रेशियो है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कितना रिटर्न अपन इक्विटी में कमा रहे हैं जब हमारा नेटवर्थ उससे डिवाइड करेंगे, मतलब नेटवर्थ के कंपैरिजन में अपन कितना इक्विटी हमारे में। ठीक है, तो ये कंपनी कितना, मतलब अगर मैं हिंदी में आपको बताऊँ तो हिंदी में इसका ये मतलब होता है कि एक एक रुपए जो हम लगाए हैं उसके ऊपर हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसको बोलते हैं अपन रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, और हिंदी में अगर मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताऊँ तो मतलब हम कितना रुपए कमा लेते हैं जितना हमारे पास कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है, तो वो एफिशिएंसी हमारे बताता है फाइनेंस का। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेशियो अपना प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिट रेशियो जो रहता है ना, वो हमको सेल्स के ऊपर हम कितना कमा रहे हैं वो बताता है। ठीक है, इसमें तीन टाइप के रेशियो होते हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, वो सबको ना अपन को सेल से डिवाइड करना है, क्योंकि जब भी अपन प्रॉफिट टर्न ओवर रेशियो बोलते हैं ना, तो उसमें हमेशा सेल से डिवाइड होता है, सेल से डिवाइड कर देना इसको सबको, मतलब। ठीक है, तो तीनों का आ जाएगा आंसर। सॉल्वेंसी रेशियो जो रहता है ना, उसमें अपन तीन टाइप का पढ़ेंगे, एक तो करंट है, ठीक है, एक डेट इक्विटी है और एक प्रोपराइटी है। ठीक है, तो डेट इक्विटी जो है ना, उसमें अपन करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी से, और ये हमको बताते हैं कि हमारे फर्म में, हमारी कंपनी में कितना लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब अगर आज पैसे की जरूरत है तो तुरंत तुरंत हमको पैसे कैसे मिलेंगे, तो वो बताता है करंट रेशियो। ठीक है, उसके बाद फिर डेट इक्विटी रेशियो जो है ना, वो अपन को लॉन्ग टर्म डेट है उसको डिवाइड करेंगे अपन शेयर होल्डर फंड से, मतलब ये हमको बताएगा कि हमारा, मतलब जो शेयर होल्डर फंड है ये अपने घर की बात है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म डेट तो अपन बाहर वालों से लेते हैं, ठीक है, बैंक से हो गया या फिर कहीं और से हो गया। ठीक है, तो बाहर वालों के कंपैरिजन में घर में कितना है, वो दोनों का डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रोप्राइटरी रेशियो है, वो अपना शेयर होल्डर फंड से, प्रोप्राइटरी से ही अपन को समझ में आ रहा है क्या कुछ शेयर होल्डर से रिलेटेड है। ठीक है, उसको अपन डिवाइड करेंगे एसेट से, तो ये हमको क्या डिनोट करता है कि शेयर होल्डर फंड कितना है हमारा टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर रेशियो जो होता है ना, वो हमेशा हायर द बेटर होता है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा सारे। ठीक है, तो इसमें तीन है अपने, पहला है अपन नेट सेल से डिवाइड करेंगे फिक्स एसेट्स को। ठीक है, तो ये हमको क्या बताता है कि हमारा जो एसेट ट्रेड हो रहा है वो कितना ज्यादा है सेल्स के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद फिर स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो रहता है, वो भी अपन को सेल्स में बताता है, बट उसमें अपन एवरेज स्टॉक को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमको बताते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कितनी स्पीड से ऐसे ऐसे मूव हो रही है, मतलब टर्न ओवर का मतलब था टर्न हो जाना, मतलब कितनी जल्दी 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 चेंज हो रही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होगी ना, उतना रेवेन्यू होगा अपन को। ठीक है, उसके बाद फिर रिसीवेबल्स टर्न ओवर रेशियो, इसका मतलब होता है कि डेटर टर्न ओवर रेशियो भी कह सकते हैं इसको अपन। ये हमको बताता है कि हमारे डेटर कितनी जल्दी जल्दी हमको पेमेंट कर रहे हैं, जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो अपन कितना कमा रहे हैं एवरेज रिसीवेबल्स, मतलब डेटर से, उसको इंटू करेंगे अपन डेज से, कितने दिन तक उनके पास था, और उसको अपन क्रेडिट सेल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर रिकंसिलेशन
ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब होता है यार कि देखो कॉस्ट और फाइनेंस हमेशा अलग अलग चलते हैं, ठीक है। फाइनेंस की अपनी अलग कॉस्ट होती है, कॉस्ट की कॉस्ट उसमें कंसीडर ही नहीं करती कुछ कॉस्ट को, ठीक है। तो जब हम दोनों को प्रॉफिट को मिलाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं रिकनसल। रिकनसल मतलब मैचिंग करना, ठीक है। तो मैच करते हैं अपन जब कॉस्ट को फाइनेंस के प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट के प्रॉफिट से फाइनेंस के प्रॉफिट को जब अपन मैच करते हैं तो उसको बोलते हैं रिकनसलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। रिकनसलेशन स्टेटमेंट में सबसे पहले अपन फॉर्मेट अगर देखेंगे तो सबसे पहले अपन को लिखना चाहिए प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर उसमें ऐड कर देंगे वो सारी इनकम जो अभी तक ऐड नहीं हुई है, जैसे कि डेप्रिसिएशन कर दो, फाइनेंस कॉस्ट कर दो, इंटरेस्ट कॉस्ट कर दो, ये सब फाइनेंस में होता है बट कॉस्ट में नहीं होता ना, तो उसको ऐड कर दो। एक्सपेंस को माइनस कर दो, कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी एक मिनट, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो एक्सपेंसेस के थे। इनकम के कुछ हो सकते हैं जैसे कि डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो डिविडेंड अपन कॉस्ट में नहीं लेते बट फाइनेंस में लेते हैं, तो डिविडेंड इनकम को ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन हो गया, फाइनेंस इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया, सबको माइनस करेंगे। और अगर कुछ स्टॉक का एडजस्टमेंट है तो उसको प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अंडर ओवर के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो हमारा फिर प्रॉफिट एज पर फाइनेंस आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है और इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसी के साथ हमारा रूल्स चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट। Thank you for watching my video. I hope you liked it. Bye bye.